नमस्कार, मैं हूं नाविका कुमार। टाइम्स नाउ नव भारत पर, टाइम्स नाउ पर रात 9 बजे आप दर्शकों का स्नेह और प्यार मुझे सालों से मिल रहा है। आपकी प्रोत्साहना देखकर आज इतनी हिम्मत मिली कि आज फिर आपके सामने आ रही हूं और आज 8 बजे और रोज 8 बजे मैं टाइम्स नाउ नव भारत पर आऊंगी। अब हिंदी दर्शकों के बीच में आई हूं और पूरी तैयारी के साथ आई हूं। हिंदी चैनल्स के प्राइम टाइम में मैं एक ऐसा शो लेकर आई हूं जिसमें पब्लिक का सीधा सवाल पूछने का हक होगा, क्योंकि सवाल जर्नलिस्ट कई पूछते हैं, पत्रकार कई पूछते हैं और आपको सेकंड हैंड सवाल सुनना पड़ता है और उसके जवाब सुनने पड़ते हैं। मैं समझती हूँ अब सवाल पूछने की बारी आपकी है। आप खुद इस शो पर, इस डिबेट पर आकर डिबेट के बीच में भी अपने सवाल भेज सकते हैं और बाकी के न्यूज़ डिबेट शो में शोर जो होता है उससे ज़्यादा हम बातों की बात रखेंगे और काम की बात रखेंगे। लेकिन टाइम्स नाउ नव भारत के इस शो में ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ शोर और एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करेंगे। हम जायज सवाल पूछेंगे, सवाल आपके भी लेंगे और ये मेरा आपसे वादा है, इसमें पब्लिक का मुद्दा तो होगा ही, साथ ही आप अपने सवाल सीधे पूछ सकते हैं उनसे जो आपके सवालों के जवाब देना चाहिए जिनको। स्टेप बाय स्टेप आप समझिए, आप किसी भी माध्यम से हमें देख रहे हों, या तो टीवी पर, या यूट्यूब पर, या फिर फेसबुक पर, इस शो का मुद्दा आप तक उस जरिए पहुंच ही जाएगा। अगर आप अब तक नहीं देख पाए होंगे तो इस वक्त अपने स्क्रीन पर हमारा मुद्दा देख सकते हैं। इस मुद्दे को लेकर आपके मन में कई सवाल उठेंगे, उसे 15 सेकंड के अपने मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड कर एक वीडियो बनाइए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। हमें व्हाट्सएप कर दीजिए और हमारा व्हाट्सएप का नंबर है 8097471285। इसके अलावा आप हमें ट्विटर पर हैशटैग सवाल पब्लिक का के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। आप चाहें तो अपने सवाल हमें टाइम्स नाउ नव भारत के यूट्यूब चैनल के जरिए भी भेज सकते हैं। यूट्यूब पर जाएं, टाइम्स नाउ नव भारत चैनल सब्सक्राइब करें और अपना सवाल कमेंट बॉक्स में लिख दें। ये चारों तरीके हैं जो मैंने आपको अभी बताए, जिससे आप अपने सवाल इस शो में भेज सकते हैं और अपने सवाल उन पॉलिटिकल पार्टियों से, उन लोगों से पूछ सकते हैं जिनके सवालों और जवाबों का आपको इंतज़ार रहता है। ये बहुत आसान है। अब आपको ये भी जल्दी से बता देती हूँ कि अगर इस शो के दौरान किसी भी गेस्ट ने कोई भी गलत जानकारी दी तो हम उसका फैक्ट चेक करेंगे। हमारा ये जो स्टूडियो है ये बनेगा एक लैब। इस लैब में लाइट डिटेक्टर टेस्ट नाम का हमने एक टूल रखा है। हमारी ये कोशिश है कि अगर किसी ने ऐसी बात कही जो हमारे को लगता है कि फैक्ट्स के मुताबिक नहीं है, तथ्यों के मुताबिक नहीं है, तो उस बोलने वाले के आसपास ये जो यहाँ पर बटन है, लाल बटन मैं दबा दूंगी और वो लाल बटन के कटघरे में आ जाएंगे। ये जो बटन है और ये जो लाइट डिटेक्टर टेस्ट है तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारी रिसर्च टीम ये हमें पता करके ना बता दे कि जो उन्होंने कहा वो सही था या गलत। अगर सही था तो लाइट ग्रीन हो जाएगी, उनके आसपास की जो लाल बत्तियां जल रही हैं वो चली जाएंगी और हरी बत्ती आ जाएगी। इसका मतलब वो सही हैं, वो आगे बोल सकते हैं। और अगर उन्होंने कोई बात गलत करी, फैक्ट्स के अनुकूल करी, बिना तथ्यों के करी, तो लाई डिटेक्टर टेस्ट उन्हें एक्सपोज करेगा और ये लाई डिटेक्टर टेस्ट उन्हें लाल घंटी और लाल बत्ती से आप सबको बताएगा कि झूठ बोलना इस सवाल पब्लिक का शो पर बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये नया एक तरीका है
ताकि हम झूठ और सच के बीच का जो फासला है उसमें जो लोग कहने की कोशिश करते हैं उसे हम अलाउ ना करें, क्योंकि पब्लिक से झूठ बोलने का किसी का हक नहीं है। पब्लिक को हक है सच जानने का, सवाल पूछने का, और ये हक आज से आपका हुआ और आप सीधे ये सवाल पूछेंगे। तो चलिए, अब हमने जैसा वादा किया था कि हमारे शो का नाम अगर सवाल पब्लिक का है तो सवाल पब्लिक का ही होगा। दो सवाल हमारे पास अभी तक आ गए हैं। पहला सवाल गाजियाबाद से संजीव भदौरिया का है, दूसरा सवाल प्रयागराज से नरेंद्र सिंह का है। सुनते हैं ये सवाल क्या है। चलिए अब आज के मुद्दे पर आते हैं। सवाल पब्लिक का मैं मुद्दा क्या है पहले सिर्फ दो मिनट में ये बता दूंगा। फिर आपको दोबारा तस्वीरें जम्मू कश्मीर की है, सड़क पर जश्न है। जश्न की वजह जम्मू कश्मीर सरकार का वो फैसला है जिसमें अब पत्थरबाजों को ना तो सरकारी नौकरी मिल पाएगी और ना ही आसानी से पासपोर्ट वेरिफिकेशन हो पाएगा। सरकारी योजना का लाभ पाने में भी अब नाकों चने चबाने पड़ेंगे। ये सब इसीलिए कि जम्मू कश्मीर की सीआईडी ने एक लिखित फरमान जारी किया जिसमें एक एक बात क्लियर है। समझता हूँ कि जहाँ पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से एफर्ट हुई है वहाँ नौजवान अकलमंदी से काम ले रहे हैं, ये काबिले तारीफ बात है। सीआईडी के इस आदेश के बाद जम्मू कश्मीर में अलगाववादी नेताओं के साथ पीडीपी और एनसी जैसी पार्टियां भी आग बबूला है। कश्मीर के दोनों बड़े नेताओं ने इस एक्शन पर अपना रिएक्शन दे दिया। महबूबा मुफ्ती, कश्मीर में कई लोग सालों से जेल में हैं, आरोप साबित होने तक दोषी कैसे? उमर अब्दुल्ला, पुलिस की गलत रिपोर्ट से कोई दोषी नहीं हो सकता, ऐसे आदेश का कोई मतलब नहीं। एक तरफ गुस्सा है तो दूसरी तरफ इस आदेश का खुलेआम समर्थन भी है, जरूरत के साथ। जम्मू कश्मीर पुलिस का खुफिया विभाग पत्थरबाजी की घटनाओं में शामिल या देश के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले किसी भी शरारती तत्व को कोई सिक्योरिटी क्लियरेंस अब नहीं देगा। ये बहुत जबरदस्त पहल कदम जम्मू कश्मीर गृह मंत्रालय ने उठाया है। जो इंटरनेशनल एलिमेंट्स हैं उनको सरकारी नौकरियों से हटाया जाए, उनको सरकारी तंत्र से अलग किया जाए, ना ही उनको पासपोर्ट के लिए क्लियरेंस दी जाएगी, ना ही उनको सरकारी काम के लिए या सरकारी नौकरी के लिए क्लियरेंस दी जाएगी। ये एक बहुत ही अच्छा स्टेप है, एक बहुत अच्छा कदम है। पब्लिक का सवाल है, न्यू कश्मीर बन रहा अलगाववादियों को अच्छा क्यों नहीं लग रहा? पत्थरबाजों पर एक्शन तो राजनीतिक रिएक्शन क्यों? सरकार का एक्शन सही तो महबूबा मुफ्ती परेशान क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। इस मुद्दे पर आज पब्लिक से दो सवाल जो आए हैं, आइए पहले उन्हें सुन लें और फिर अपने पैनलिस्ट पर जाएंगे। अभी जो सुनने में आ रहा है कि मोदी सरकार ने कश्मीर के अंदर जो पत्थर वालों के लिए जो कानून बनाए हैं तो क्या ये कानून उनको रोकने के लिए पर्याप्त हैं? नमस्कार, मेरा नाम नरेंद्र सिंह है और मैं टाइम्स नाउ नव भारत के मंच से यह सवाल करना चाहता हूं कि क्या अलगाववादियों को इस बात का डर है कि नए कश्मीर में उनके एजेंडे की दुकान नहीं चल पाएगी? आज का मुद्दा आपने देख लिया, समझ लिया, पब्लिक के सवाल भी सुन लिए। अब मैं आपको शो के गेस्ट से मिलवाती हूं और आज मेरे साथ टाइम्स नाउ नव भारत पर हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर संबित पात्रा। डॉक्टर संबित पात्रा, टाइम्स नाउ नव भारत पर आपका स्वागत है। इंग्लिश में टाइम्स नाउ पर हम कई बार बात कर चुके हैं लेकिन आज मुद्दा भी संगीन है, सवाल भी संगीन है और इसकी ऑपोजिशन जो आई है पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से वो भी बहुत संगीन है। स्वागत है आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर। सुशील पंडित जी कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं,
आपका भी बहुत स्वागत है टाइम्स नाउ नव भारत पर। हमारे साथ आज अहमद अयाज, सेक्रेटरी जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से भी यहां पर मौजूद हैं हमारे साथ, आपका भी स्वागत है। और मेरी पुरानी साथी इफ्रा जान, स्पोक्स पर्सन नेशनल कॉन्फ्रेंस की, कई बार हमारे साथ कई डिबेट्स पे रही हैं, आज आपका टाइम्स नाउ नव भारत पर बहुत बहुत स्वागत है। इफ्रा जान जी, मैं आपसे सबसे पहले एक बात पूछना चाहती हूँ कि अगर स्टोन पेल्टर्स के खिलाफ इस तरह का डिसीजन लिया है तो इसमें गलत क्या है? नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी को इससे क्या नाराजगी है, क्योंकि हमने देखा है कि कई ऐसे वाक्य हुए हैं जहां टेररिस्ट को अगर मारा गया है, कोई एनकाउंटर हो रहा है, पुलिस उस स्पॉट पर है, तो पुलिस पर या आर्मी वालों पर पथराव होना शुरू हो जाता है टेररिस्ट को बचाने के लिए। दूसरी बात, ऐसी कई बार हुआ है और मैं कम से कम दो ऐसे आपको वाक्य बता दूं। 12 दिसंबर 2019 को स्टोन पेल्टिंग जम्मू कश्मीर के बडगाम के जब इलाके में हुई थी तो चेन्नई से घूमने आए 22 साल के एक युवक की मौत भी हो गई थी। 26 अगस्त को 2019 में स्टोन पेल्टिंग में जम्मू कश्मीर में रहने वाले एक ट्रक ड्राइवर नूर मोहम्मद की भी मौत हो गई थी। अगर ऐसे स्टोन पेल्टिंग करने वालों को एक तरह से प्रोत्साहन आप देना चाहती हैं तो ऐसा क्यों? क्या डिसवेड नहीं करना चाहिए? क्या लोगों को मना नहीं करना चाहिए कि ये सही नहीं है और कानून के खिलाफ है? जी थैंक यू नाविका जी मुझे अपने शो पे बुलाने के लिए। पहली बात तो मुझे विडंबना इस बात से होती है कि ये जो ऑर्डर आया है उस कैबिनेट के अंदर आया है जिस कैबिनेट में 40% कैबिनेट के जो वासी है हमारे बीजेपी के उनपे बलात्कार, मर्डर और किडनैपिंग जैसे केसेस लगे हुए हैं। ये एसर की प्रॉपर एक रिपोर्ट है। तो लेकिन वो लोग फिर हमारे कैबिनेट में और हमारे संसद में क्यों बैठते हैं जिन पे बलात्कार जैसे केसेस लगे होते हैं? वो इसीलिए बैठते हैं क्योंकि हमारे देश में जब तक आप पे आपको दोषी हमारे देश के कोर्ट नहीं ठहराते तब तक आप दोषी नहीं माने जाते। इसी वजह से प्रज्ञा ठाकुर जी जो है इवन दो वो टेरर अक्यूज है आज हमारे संसद में बैठती है, इवन दो हमारे कैबिनेट में जैसा मैंने कहा 40% पे कैबिनेट वासियों पे बहुत गंभीर आरोप लगे हुए हैं। हमारा इस जो हमारा जो ये रूल है इससे हमें सिर्फ ये दिक्कत है कि जब तक इन स्टोन पेल्टर्स को, या ये स्टोन पेल्टर्स से ही सिर्फ नहीं आया है, ये और भी अधिक लोगों पे आया है जिन लोगों की एक एडवर्स पुलिस रिपोर्ट है। हमारा बस ये मानना है कि जब तक इन लोगों को दोषी कोर्ट नहीं ठहराता, इन लोगों को दोषी हमारे देश में पुलिस किसी को दोषी नहीं ठहरा सकती जिसकी तरह से कि पुलिस प्रज्ञा ठाकुर जी को दोषी नहीं ठहरा सकती है। हमारा सिर्फ यही मानना है कि कोर्ट को फैसला करने दीजिए। अगर आपके पास प्रॉपर एविडेंस है कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटीज या एंटी नेशनल गतिविधियों में मुलव्वित है तो कोर्ट के पास एविडेंस ला कर लिख लीजिए, और एक बार कोर्ट कहती है हाँ ये एंटी नेशनल है तो कोई बात नहीं, उसका आप उसके बाद पासपोर्ट नहीं दीजिए। डॉक्टर पात्रा जी, डॉक्टर पात्रा जी, इफ्रा जान की दलील है कि आपका जो वहां कश्मीर का सर्कुलर निकला है उसमें लिखा है कि डिजिटल एविडेंस होगा, सीसीटीवी की फुटेज चेक की जाएगी और इसमें यह भी देखा जाएगा कि वीडियोस में क्या तथ्य हैं, पर इनसे कम से कम नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी कन्विंस नहीं है। उनका यह कहना है कि कोर्ट से जब तक ऑर्डर ना आए आप ऐसा स्टेप नहीं ले सकते हैं। लेकिन पासपोर्ट के मामले में किसी के खिलाफ अगर कोई पेंडिंग क्रिमिनल केस है तो पासपोर्ट ना देना बाकी देश में भी अप्लाई होता है, तो ये कश्मीर में क्यों नहीं है अप्लाई होना चाहिए? नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की इस पर क्या टिप्पणी है, इस पर आप क्या कहेंगे डॉक्टर संबित पात्रा? नाविका जी, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करूंगा और टाइम्स नाउ नव भारत, ये आपका जो नया पहल आरंभ हुआ है ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है, उसके लिए आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत अभिनंदन। और नाविका जी, जिस विषय पर आज हम चर्चा कर रहे हैं ये बहुत गंभीर विषय है।
मैं पहले तो जम्मू कश्मीर के निवासियों को और पूरे हिंदुस्तान के निवासियों को बहुत बधाई देना चाहूँगा कि ये कोई छोटा विषय नहीं है। अनेकों वर्षों से जो हम सोच रहे थे कि वो लोग जो पत्थरबाजी करते थे, और किस पे पत्थरबाजी करते थे, हमारे जवानों के ऊपर, हमारे आर्मी के लोगों के ऊपर, ये लोग जो पत्थरबाजी करते थे, ये लोग जो अलगाववाद को बढ़ावा देते थे, जिनको हम एंटी नेशनल कहते थे, और वह एंटी नेशनल भी है, जिनको इंडिया के आर्मी के चीफ ने बहुत सही तरीके से कहा था, दे आर ओवर ग्राउंड सपोर्टर्स ऑफ टेररिज्म। ये अगर देखा जाए तो आतंकवादियों को समर्थन करने वाले ओवरग्राउंड टेररिस्ट हैं, तो स्वाभाविक रूप से उन आतंकवादियों को जो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, अगर उनको पासपोर्ट नहीं मिलता है, सीआईडी उनके खिलाफ मुहिम चलाती है, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, और ये एक कोट अनकोट डिटरेंस के रूप में एक्ट करता है, तो ये देश के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। हमारे आने वाली पीढ़ियों में भी कहीं ना कहीं एक महत्व रहेगा कि हमें देश के खिलाफ काम नहीं करना है। दूसरी बात देखिए, जहाँ तक एनसी या पीडीपी का विषय हो या कांग्रेस भी बहुत बाई एंड लार्ज वैली में, वो हमारी बात से सहमत नहीं होंगे। एक बुनियादी फ़र्क है, वो एक ज़माना था, आप याद करिए, कांग्रेस के समय, एनसी के रूल के समय, पीडीपी के समय, जब ये जो अलगाववादी थे, जो सेपरेटिस्ट थे, उनका महिमा मंडन होता था। आप याद करिए उस तस्वीर को जिसमें अलगाववादी मनमोहन सिंह के साथ खड़े होते थे और गले में हाथ डालकर फोटो खींचा जाता था। जब बाहर से कोई राष्ट्राध्यक्ष आता था तो पहले अलगाववादी से मिलता था, उसके बाद वहाँ के चीफ मिनिस्टर या हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर से मिलता था। तो ये कहीं ना कहीं ये जो महिमा मंडन अलगाववादियों का होता था, वो नरेंद्र मोदी जी ने समाप्त कर दिया है। आर्टिकल 370 के बाद आतंकवाद में भी कमी आई है, पत्थरबाजी में भी कमी आई है, वहां के युवक अब नौकरी कर रहे हैं, महिलाओं को उनका अधिकार मिल रहा है, दलितों को उनका अधिकार मिल रहा है, और सबसे बड़ी बात है नाविका जी, आप जरा सोचिए, डॉक्टर पात्रा, मेरी रिसर्च टीम कह रही है, डॉक्टर पात्रा एक मिनट आपको रोकूंगी, मेरी रिसर्च टीम कह रही है कि ये 40 एमएलए जो आपकी पार्टी से हैं कश्मीर में, 40 ऐसे लोग जिनकी वजह से वहां की सरकार चल रही है, ये नंबर शायद संदिग्ध है, 40% उन्होंने कहा। इफ्राजान आई लाइट डिटेक्टर टेस्ट के अंडर, लाल बत्ती जल गई है इफ्राजान, हमारी रिसर्च टीम चेक कर रही है, उनका ये आरोप बुनियादी तौर से सही है या गलत, हम इस पर रिजल्ट बताएंगे थोड़ी देर में, हमारी रिसर्च टीम चेक कर रही है। डॉक्टर पात्रा आगे आप अपनी बात कंप्लीट करिए। देखिए नाविका जी, एक बुनियादी फर्क है भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टियों के बीच में। आप याद करिए, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे पीडीपी हो, इन्होंने बुरहान वानी को शहीद माना है, इन्होंने बुरहान वानी को मार्टर माना है, वहीं भारतीय जनता पार्टी बुरहान वानी को आतंकवादी मानती है। तो स्वाभाविक रूप से जो लोग एक आतंकवादी को आतंकवादी मानते हैं, और जो लोग आतंकवादी और अलगाववादी को बलिदानी मानते हैं और शहीदकर्ता मानते हैं, तो स्वाभाविक है वो हमारे इस फैसले से सहमत तो कभी होंगे ही नहीं, मगर जो फैसला देश के हित में है वो फैसला सबके लिए स्वागत योग्य है। इफ्राजान, मेरे रिसर्च टीम वापस आई है तहकीकात करके, लाइट डिटेक्टर टेस्ट के घेरे में आप खड़ी हुई हैं, लाल बत्ती जल रही है, हमारी रिसर्च टीम कह रही है कि जो आपने आंकड़े दिए हैं, 40% लोग जिन पर ऐसे केस लगे हुए हैं, ऐसे आंकड़े किसी रिकॉर्ड में नहीं है। अगर आपकी लाइट डिटेक्टर टीम बिल्कुल गलत है, ये एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिकॉर्ड से आप अपनी बिल्कुल भी नहीं, आप अपनी लाइट डिटेक्टर टीम को बोलिए, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिकॉर्ड का डेटा देखिए, और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिकॉर्ड्स जो हमारे देश की सारी ऐसी पॉलिटिक्स में जो भी डेटा कलेक्ट करती है, वो बहुत वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है। 33 जो आपके 78 मिनिस्टर्स रहे हैं, 78 मिनिस्टर्स में से 33 मिनिस्टर्स राइट नाउ उन पे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। प्लीज चेक द एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिकॉर्ड्स का डेटा। आपने कहा रेप चार्जेस, आपने कहा रेप चार्जेस, रेप चार्जेस के ऐसे कोई केस नहीं है जो आप कह रही हैं, मर्डर के केस नहीं है, आप क्रिमिनल चार्जेस बना रही हैं, पहले आपने रेप चार्जेस कहे थे, जो आंकड़े आपने दिए हैं इफ्रा जान जी, आप पहले तय कर लीजिए, बोलने से इल्जाम लगाने से पहले तय कर लीजिए कि आप क्या कहना चाह रही हैं। आपने रेप चार्जेस कहा था, मैंने कहा था कि क्रिमिनल केसेस हैं जिनमें रेप केसेस, मर्डर केसेस
किडनैपिंग केसेस जैसे केसेस इन्वॉल्व हैं। आप अभी भी कटघरे में हैं, आप अभी भी कटघरे में हैं। आपने पहले क्या कहा था और आप क्या कह रही हैं? इसका 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 हिसाब किताब अभी हो जाएगा। लेकिन लेकिन मैं अयाज साहब के पास चलती हूँ। अयाज साहब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। अयाज साहब, अगर देश के युवक स्टोन पेल्टिंग में रहेंगे, और स्टोन पेल्टिंग के वाक्य मैंने आपको गिनाए हैं, 2019 में 2000 ऐसे केसेस थे स्टोन पेल्टिंग के, 2018 में 1450 ऐसे केसेस थे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, 2016 में 2500 ऐसे केस थे, अब 2020 में ये गिरकर 87% गिरावट हुई है और 255 केसेस रजिस्टर हुए हैं स्टोन पेल्टिंग के 2020 में। अब ये जो इम्प्रूवमेंट आई है, हमें क्या ये कोशिश नहीं करनी चाहिए कि आजकल की जो यूथ है, जो युवक हैं, युवतियां हैं, वो अपना समय स्टोन पेल्टिंग में ना बर्बाद करके किसी ऐसे काम में लगें, प्रोफेशन में लगें, पढ़ाई में लगें, खेलकूद में लगें, अपना मुस्तकबिल बनाए, अपना फ्यूचर बनाए। अय्या साहब, अगर सरकार ऐसा कहती है या सीआईडी ने ऐसा सर्कुलर निकाला है, तो इसमें गलत क्या है? उन्होंने ये तो नहीं कहा कि सबको जेल में डाल दिया जाएगा। उन्होंने ये कहा है कि पासपोर्ट नहीं दिया जाएगा, गवर्नमेंट जॉब्स में आपको प्रॉब्लम आएगी, और ये एक वार्निंग सी होती है ताकि लोग स्टोन पेल्टिंग में अपना समय जाया ना करें। इसमें बुरा क्या है? गलत इसमें यह है कि इस वक्त भी ये रूल है कि जहां तक पासपोर्ट का ताल्लुक है, आज का जो आर्डर आया है ये तो पासपोर्ट को लेकर है या नौकरियों को लेकर है। लेकिन इस वक्त भी ये रूल एप्लीकेबल है, जब तक सीआईडी क्लियरेंस ना हो तब तक किसी को पासपोर्ट नहीं दिया जाता है। ऐसे शायद, आई एम नॉट श्योर, लेकिन शायद ये नौकरियों के लिए भी है। तो अगर ये रूल्स अवेलेबल है तो फिर दूसरे तीसरे रूल्स लाने की क्या जरूरत है? उसके अलावा जब से 370 एब्रोगेट किया गया, उससे पहले तो स्टोन पेल्टिंग के वाकात हुआ करते थे, लेकिन बीजेपी का कहना है जब 370 एब्रोगेट किया तो एक वजह दिया कि हम इसलिए भी करते हैं, इसको एब्रोगेट करते हैं क्योंकि यहाँ के हालात सुधर जाएंगे, यहाँ की मिलिटेंसी खत्म हो जाएगी, यहाँ की स्टोन पेल्टिंग खत्म हो जाएगी। अब आज उनका ये कहना है, दावा है उनका कि भाई स्टोन पेल्टिंग खत्म हो चुकी है, मिलिटेंसी कम हो गई है, हालात नॉर्मलाइज हो चुके हैं, ये सारा अभी बीजेपी का कहना है। अगर ये सारा सच है, बीजेपी का ये कहना कि ये सारा सच है कि नॉर्मलिटी आ रही है, स्टोन पेल्टिंग बंद हो चुकी है, तो फिर ये नया कानून एज ए हार्ड लाइन अप्रोच क्यों? जब भी हम हर वक्त बीजेपी का भी ये रहा है कि हम हर एक को साथ लेकर चलेंगे। अय्याज साहब, पिछले 73 इयर्स से तो सॉफ्ट अप्रोच चल रही थी ना, सॉफ्ट अप्रोच में स्टोन पेल्टिंग कम हुई क्या? अब आपको जो ये लास्ट दो साल में आपको लगता है हार्ड कानून आ रहा है, अरे स्टोन पेल्टर्स के खिलाफ आ रहा है ना, जो लोग सुख और शांति वहां की भंग कर रहे हैं उनके लिए आ रहा है। सुशील पंडित जी, इनको इसको ये हार्ड कानून क्यों कहते हैं? क्या ये चाहते हैं कि सड़कों पर लोग स्टोन पेल्टिंग किया करें? दैट शुड बी एन ऑक्यूपेशन, वो एक नौकरी के तौर पर होनी चाहिए। अगर ये कहते हैं कि पासपोर्ट के लिए वैसे भी सीआईडी क्लियरेंस चाहिए होती है, आज अगर गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी से बता रही है कि अगर आप स्टोन पेल्टिंग करेंगे तो आपको पासपोर्ट या सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन नाविका जी, आप उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई इस नई चैनल के लिए और मुझे ये आमंत्रण देने के लिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आप उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रही हैं नाविका जी, जिनकी नुमाइंदगी यहां इफ्रा जान कर रही हैं। उन्होंने हजरत बल से स्पीच में कहा था कि ये जो पत्थर फेंकने वाले हैं, ये एमपी एमएलए बनने के लिए पत्थर नहीं फेंकते, ये मिनिस्टर बनने के लिए पत्थर नहीं फेंकते, ये तो वतन परस्त है, अपने वतन के लिए पत्थर फेंक रहे हैं। इस तरह उनकी हिमायत की थी। इन्होंने कश्मीरी में भाषण दिया था, सोचा था देश नहीं समझेगा, लेकिन कश्मीरी समझने वालों को आपने देश भर में छितरा दिया है। हम कहीं कहीं कोने पर बैठ करके भी आपकी हरकतें देख लेते हैं। दूसरी बात,
हमारे सुरक्षा तंत्र ने ये माना है कि पत्थर फेंकने वाले ये जिहाद और आतंक की नर्सरी है, इन्हीं में से लोग उठ करके सिर्फ बंदूक उठाते हैं और आतंकवादी बनते हैं। यहां पर ये सीखते हैं काम, जज्बा अपना मजबूत करते हैं। कश्मीरी में कहावत है, लपते लपते वांगन चूरो, बढ़िए बढ़िए सन चूरो। बचपन में बैंगन चुराते हैं और बाद में सुनार के यहाँ छापा डालते हैं। तो ये वो एक कॉटेज इंडस्ट्री इन्होंने बनाई है जिसकी इनको इन्होंने हिमायत की है, इनके हाथों की ये कठपुतलियां हैं। मैं संबित जी से एक निवेदन करना चाहूंगा, आपने कठपुतलियों पर तो आज नकेल कसी है, ये जो कठपुतली चलाने वाले हैं इन पर नकेल कसनी जरूरी है। इनको आप लाल कालीन बिछाकर प्रधानमंत्री कार्यालय में चाय नाश्ते पर बुलाकर जब पूछते हैं, परामर्श लेते हैं कि कश्मीर कैसे चलाया जाए, तो फिर इन कठपुतलियों के भी हौसले बढ़ते हैं कि देखिए हमें चलाने वालों की कैसे आवभगत हो रही है। तो अगर आमूलचूल परिवर्तन करना है तो जिनकी नुमाइंदगी ये इफ्रा जान कर रही है ना, उन नेताओं पर भी इफ्राजान अय्याज साहब ने अभी यही बताया कि सीआईडी की क्लियरेंस वैसे भी चाहिए पासपोर्ट और नौकरी के लिए। इसमें कानून कड़ा कैसे हो गया, इसमें इसको कैसे आपने कंपेयर कर दिया? और आपका स्टेटमेंट अभी हमने चला दिया चैनल पर, आपने पहले रेप केसेस की ही बात कही। आप 40% बीजेपी 42% टू बी प्रीसाइज के बीजेपी कैबिनेट पे क्रिमिनल केसेस इंक्लूडिंग केसेस, कभी आप रेप केस कहती हैं, कभी क्रिमिनल केस कहती हैं। आप अपनी पार्टी के बता दीजिए कितने क्रिमिनल केसेस हैं, कितने करप्शन केसेस हैं, आप अपनी पार्टी के बता दीजिए, आप चेक कर लीजिए। नहीं नहीं, आप अपनी पार्टी के बता दीजिए कितने क्रिमिनल केसेस हैं और कितने करप्ट केसेस हैं। इफ्राजान जी, आप चेक कर लीजिए, जिस दिन हमारी कैबिनेट बनेगी उस दिन आप चेक कर लीजिएगा। पहली बात तो सुशील पंडित जी जो है वो कहते हैं कि हम लोग जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये टोन सेंटर्स की कठपुतलियां हैं। मुझे समझ नहीं आता जब इनके पास इतना डेटा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने स्टोन पेल्टर्स को एनकरेज किया है, पैसे दिए हैं। मैं आज नेशनल चैनल पे सुशील पंडित जी को चैलेंज करती हूँ कि आप जाके पुलिस स्टेशन में एविडेंस लेके FIR दिखाइए, लेकिन चूंकि आपके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, आप टीवी पे सुबह शाम इनोसेंट लोग मरे हैं, कितने मजलूम लोग मरे हैं कश्मीर में, इसका कोई रिकॉर्ड रखा है आपने इफ्राजान जी? डॉक्टर पात्रा नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने हिसाब किताब दे रही है, लेकिन कश्मीर में बाकी लोगों के साथ जो हुआ, जो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुआ, उसका कोई हिसाब किताब, कोई ब्योरा नहीं है इनके पास। हम कश्मीरी हिंदुओं को एंटी नेशनल नहीं बोलते, हम बाकी कश्मीरी जो मरे उनको एंटी नेशनल नहीं ये बोलते। एंटी नेशनल तो मैं बताऊंगा, इसीलिए बात किया क्योंकि हम लोग को इसीलिए मारा गया क्योंकि हम लोगों ने देवेंद्र सिंह जैसी हरकतें नहीं की, हम लोगों ने बीजेपी के उस लेजिस्लेटर जैसी हरकतें नहीं की। अब देशभक्त मैडम जी थोड़ा बोलने दीजिए हमें भी। के लिए तारिक अहमद मीर सिंह का नाम था, हम लोगों की डॉक्टर पात्रा आप इफ्राजान को जब जवाब देंगे तो हमारे दो दर्शकों ने जो पहले सवाल पूछा था उसका भी जवाब दे दीजिए कि ये वाला जो सीआईडी का ऑर्डर है क्या ये पर्याप्त है वहां पर स्टोन पेल्टिंग और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को सही करने के लिए, दोनों चीजों का जवाब दे। मैं पहले जनता का जवाब देता हूं क्योंकि जनता ही जनार्दन होती है। मैंने सुना कि एक भाई ने पूछा कि क्या ये जो कानून, ये जो रूल लाया गया है सीआईडी का कि सरकारी नौकरी में या फिर पासपोर्ट में आपकी इतिहास को ध्यान में रखते हुए कि आपने स्टोन पेल्टिंग इत्यादि किया हुआ है, डिजिटल रिकॉर्ड भी देखा जाएगा, उसके आधार पर आपको डिनाई किया जाएगा, क्या ये पर्याप्त है? क्या इससे स्टोन पेल्टिंग रुक जाएगा?
मैं मानना आपको बताना चाहता हूं और मैं ये मानता हूं कि जहां तक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई है ये कोई ऑल और नन फिनोमिना नहीं है कि आज लड़ाई शुरू होगी और कल सुबह तक लड़ाई खत्म हो जाएगी और हम जीत जाएंगे। ये एक प्रोट्रैक्टेड प्रोसीजर होता है, एक बहुत लंबे समय तक चलता है और बड़े धैर्यपूर्ण तरीके से और साहस के साथ लंबे समय तक लड़ना पड़ता है और भिन्न भिन्न मोडालिटी के साथ, कभी इस तरीके से कभी उस तरीके से, मल्टीप्रोंग अप्रोच करते हुए आपको लड़ना पड़ता है और तब जाके की जीत होती है। अभी नाविका जी ने कुछ आंकड़े रखे, उन्होंने दिखाया कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के पश्चात ये जो स्टोन पेल्टिंग है ये 87% कम हो गया है। ये अभी नाविका जी ने आंकड़ों के माध्यम से दिखाया। ठीक उसी प्रकार आपने देखा होगा पहले जिस प्रकार आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान द्वारा स्पॉन्सर्ड होती थी, उन आतंकवादी गतिविधियों में भी जम्मू कश्मीर में कमी आई है। तो स्वाभाविक है ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, पहले आर्टिकल 370 हटाओ, उसके बाद जो तो बहुत सारे ऐसे पॉलिटिशियंस थे जो वहां भड़काना चाहते थे, जो कह रहे थे खून की नदियां बह जाएंगी, कोई हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाला नहीं होगा, उनको कुछ समय के लिए नजरबंद रखना, जेल के अंदर बंद रखना, उसके बाद जिस तरह से पब्लिक कॉन्फिडेंस को विन करना और अब सीआईडी का ये रूल, ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच के माध्यम से हमें लगता है नया कश्मीर बदल भी रहा है और सही डायरेक्शन में जा भी रहा है। दूसरी बात, जहां तक इफ्रा जहान का विषय है, नाविका जी मैं कितना भी कुछ कह लूं, आपको क्या लगता है इफ्रा जहान खुश होकर चली जाएगी? इफ्रा जहान अगर खुश होंगी तो वो केवल पाकिस्तान के कोई प्रवक्ता अगर कहेगा यहां पर कि इंडिया खराब कर रहा है तभी वो खुश होगी। हम ये इफ्रा जी आप तो नहीं नहीं इफ्रा जी आप तो कटघरे में खड़ी है, आप क्यों मेरे पे चिल्ला रही है? वो लाल बत्ती जल रही थी ना नाविका जी, क्या हो गया वो लाल बत्ती का? वो ये बताइए कमाल है, बोलने पर चलती है, आप बोलेंगे तो आपकी भी लाल बत्ती जल जाएगी। तो इनको नहीं, हमारे तो हम तो बोलेंगे ही नहीं तो जलेगी कहेगा, इनका तो जल रही थी फिर भी ये चिल्ला रही है। बताइए इनको लाल बत्ती दिखाइए जरा और मुझे बोलने दीजिए, मुझे हरी बत्ती दिखाइए ताकि मैं बोल सकूं। देखिए नाविका जी, ये आप याद करिए, ये एनसी वाले और पीडीपी वाले क्या कहते थे, यहां तक कि पत्थरबाजों के लिए तो फारूक अब्दुल्ला जी ने कहा था ये अल्लाह के नाम पे पत्थर उठाओ, इस्लाम के नाम पर पत्थर उठाओ। आप याद करिए वो बाइट आप निकाल के दिखाइए। तो जो कहा है हमारे आर्मी के अफसरों ने कि ये जिहाद का एक तरीका है, ये बिल्कुल सही है और इसमें बाइट दिया है, इसमें एक तकरीर की है फारूक अब्दुल्ला ने कि ये जो पत्थरबाज है वो अल्लाह के नाम पर पत्थरबाजी करते हैं, इस्लाम के नाम पे पत्थरबाजी करते हैं। तो इसमें किसी प्रकार का संशय, किसी प्रकार का शक, किसी प्रकार का डाउट ही नहीं है कि ये एंटी नेशनल देशद्रोही गतिविधि थी। और मैं सुशील पंडित जी से भी बहुत ही रेस्पेक्टफुली कहना चाहूंगा, सुशील पंडित जी कठपुतलियां भी बेकार हो गई है और वो हाथ जो कठपुतलियों को नचाती थी उन हाथों को भी हमने कैद रखा था, उन हाथों को भी नजरबंद करके रखा था, हमने उन्हें नजरअंदाज भी किया हुआ है। और देखिए चूंकि एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, चूंकि डेमोक्रेटिक एग्जिस्टेंस है तो स्वाभाविक रूप से डेमोक्रेटिक तरीके से चल रहे हैं। अगर वो आंख उठाकर कहीं ना कहीं देश को भड़काने का काम करेंगे तो फिर से उनको उसी प्रकार का व्यवहार मिलेगा जो व्यवहार उनको ऑलरेडी हमने दिखाया है। लेकिन रुक जाइए थोड़ा ब्रेक लगाइए, जनता के सवाल और आ रहे हैं इस वक्त, क्योंकि ये शो है सवाल पब्लिक का, तो पब्लिक के सवाल सुनते हैं। दो और सवाल आए हैं, निजाम भाई चलाइए, कौन से सवाल हैं, क्या पूछना चाहती है जनता? जब पत्थरबाजों पर कोई लगाम नहीं लगाया जा सकता तो भारतीय सेना के साथ ये नियम कानून क्यों, सरकार दो तरह की राजनीति क्यों कर रही है? भारतीय सेना को दबाव में रखा जा रहा है और उन्हें सारी छूटें दी जा रही है। सरकार ने आज ये जो फैसला लिया है, सख्त कदम उठाया है, इससे क्या दिल वापस से जुड़ेंगे या दूरियां और बढ़ जाएंगी? सवाल आपके लिए है डॉक्टर पात्रा, लोग पूछ रहे हैं एक कि इससे सरकार ने जो नया कानून लगाया इससे दूरियां और बढ़ जाएंगी या दूरियां कम होंगी, इस सवाल का क्या जवाब देंगे? नहीं आप बताइए, ये देश बहुत बड़ा देश है, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक और अटक से कटक तक ये हिंदुस्तान है। आप बताइए अगर नई दिल्ली में कोई व्यक्ति पत्थर फेंक रहा है, आर्मी के ऊपर पत्थर फेंक रहा है, आर्मी के जवानों को हताहत कर रहा है, कोई यहाँ पर अलगाववाद फैला रहा है, तो आप उसको दिल्ली में छोड़ देंगे क्या?
क्या अगर उसको पकड़ लेगी पुलिस तो दिल्ली के जनता में किसी प्रकार का संवेदनशीलता होगी उस व्यक्ति के लिए? क्या दूरियां बढ़ जाएंगी? बिल्कुल नहीं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे तकलीफ होती है कि लोग इस प्रकार का सवाल पूछ रहे हैं कि इससे जम्मू कश्मीर के लोगों में दूरियां बढ़ जाएंगी। दूरियां कैसे बढ़ जाएंगी? जो पत्थरबाज देश के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, जो पत्थरबाज पाकिस्तान के पक्ष में नारेबाजी कर रहे हैं, जो पत्थरबाज अपने देश के सेना को हताहत कर रहे हैं, उनको मारने की कोशिश कर रहे हैं, यदि उनको कोई उनको केवल पासपोर्ट बंद किया जाएगा या उनको सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी तो आपको क्या लगता है इससे दूरियां बढ़ेंगी? अयाज साहब जवाब दीजिए, क्योंकि दूसरी ओर जहां एक युवा लड़की ने यह पूछा था कि इससे क्या दूरियां बढ़ जाएंगी, वहीं एक और महिला थी वाराणसी से जिन्होंने ये भी कहा कि क्या हमारे देश में युवाओं को ऐसा हक देना चाहिए कि वो आर्मी वालों पर पत्थर चलाए? क्या आर्मी वालों की प्रोटेक्शन के लिए कोई और आएगा उनको प्रोटेक्ट करने के लिए? ये भी पूनम त्रिपाठी जी का ये सवाल था। तो ये अय्याज साहब मैं आपसे पूछ रही हूँ, शायद इन महिला के घर में कोई आर्मी वाला ऐसा होगा जो उनके रिश्तेदारी में है जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ हो सकता है कश्मीर में, या उन्होंने देखा है, या उन्हें इस बात का डर हो कि अगर हमारे जानकार हमारे रिश्तेदार वहां आर्मी में नौकरी करने जाएंगे तो कश्मीर पर उन पर पथराव होगा अगर वो टेररिस्ट के खिलाफ लड़ रहे हैं? क्या ये सही है अय्याज साहब? सवाल इनका बिल्कुल जायज है। मैं भी इसी बात पर आ रहा था इससे पहले, इनके सवाल से पहले भी, कि पहली बात जब एक क्लियरिटी आई है बीजेपी की तरफ से कि भाई 370 के बाद आप स्टोन पेल्टिंग हो नहीं रही है तो फिर कानून किस चीज के लिए? अगर या ये सही है कि अभी भी स्टोन पेल्टिंग हो रही है तो हम मान लेते हैं कि कोई भी कानून किसी भी तरीके से आ सकता है, तो ये क्लियर करना पड़ेगा, एक स्टैंड लेना पड़ेगा बीजेपी को कि सिचुएशन इस सूरत में स्टोन पेल्टिंग के लिहाज से एज ऑन डेट क्या है? अगर कुछ नहीं है तो फिर कानून लाने की क्या जरूरत है, लॉ लाने की जरूरत क्या है? तो दूसरी बार जहां तक वो सवाल आ गया कि ये जरूरी है कि जितना आप हार्ड अप्रोच सख्ती से काम ले लोगे तब उससे दूरियां जरूर बढ़ेंगी, और जबकि ये पॉलिसी अय्याज साहब और इफ्रा जान जी आप दोनों से मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि 73 साल से तो आपकी मनमानी चल ही रही थी, सॉफ्ट लॉज थे और बहुत 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 दूध की नदियां बह रही थी कश्मीर में, सब अमन चैन से रह रहे थे सुशील पंडित जी, अब इनको लॉज हार्ड लग रहे हैं और ये कह रहे हैं कि दिल की दूरियां बढ़ जाएंगी। आप मुझे बता दीजिए इससे पहले क्या हो रहा था कश्मीर में? सब चैन से मोहब्बत से एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर गले में हाथ डालकर रह रहे थे क्या? हाँ, इतनी खुशी से रह रहे थे कि लाखों लोगों को अपने घरों को छोड़ करके निकलना पड़ा, उनको मार करके भगाया गया, उनको लूट करके बेदखल किया गया, उनसे इतनी खुशी थी कि बर्दाश्त नहीं हो पाई, उन्होंने कहा चलिए थोड़ा गम तलाशने निकलते हैं दुनिया में कहीं और। ये क्या बातें कर रहे हैं और किनके दिल जीतने की कोशिश हो रही है? जिहादियों का आप दिल जीत पाएंगे? जो आपका गला काटने पर तुले हुए हैं उनके आप गले लगने जा रहे हैं? नहीं नहीं, मैं एक चीज कहूं कि अगर आपसे कोई अलग सोचता है तो वो जिहादी तो नहीं होता सुशील पंडित जी। नहीं, तो अय्याज साहब को आप जिहादी तो ना कहें। नहीं नहीं, कतई नहीं, मैं अय्याज साहब को जिहादी नहीं कह रहा हूं, लेकिन अय्याज साहब जिनकी पैरवी करते हैं वो लोग कश्मीर पर एक जिहाद नाफिज किए हुए हैं और अय्याज साहब उसको नजरअंदाज करते हैं। उन लोगों के स्लोगन हैं, आजादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, यहां क्या चलेगा, निजामे मुस्तफा। तो जब ऐसे लोग वहां पर जिहादी तंजीमों के तहत तशद्दुद करते हैं, हिंसा करते हैं, कत्लोगारत करते हैं, आप फिर उन लोगों की पैरवी करने के लिए क्यों आगे आते हैं? क्यों उसके खिलाफ की गई नीति को, निर्णय को आप गलत ठहराते हैं? इफ्रा जान मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि देश में एक कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है हर आदमी को लॉ के मुताबिक चलना पड़ेगा। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या स्टोन पेल्टिंग अगेंस्ट द लॉ है कि नहीं?
इस पर आपका क्या? मैं आपका जवाब दे दी, स्टोन पेल्टिंग बिल्कुल अगेंस्ट द लॉ है, और जब कोई स्टोन पेल्टिंग जैसी हरकत में मुलव्वस होता है उस टाइम पे पुलिस उसको पकड़ती है और उसके खिलाफ एक FIR दर्ज करती है। ये भी हमारे देश में CRPC के कानून की प्रक्रिया है कि उस पे एक प्रॉपर FIR दर्ज होती है। और हमारे पास ऑलरेडी एक जम्मू और कश्मीर में कानून है, मुझे बोलने दे दीजिए प्लीज, हमारे पास ऑलरेडी जम्मू और कश्मीर में कानून है कि जिसपे एक FIR लगी हुई होगी उसको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल सकती है, क्योंकि उस पे अभी कानूनी प्रक्रिया चल रही है। हमें लेकिन जब आप लोग जब सरकारें बदलती हैं तो महबूबा मुफ्ती जी का दिल पिघल जाता है और वो कहती है कि जिन पर ये केस लगे हुए हैं वो वापस ले लीजिए, तब कानून कहाँ जाता है इफ्रा जान जी? डॉक्टर पात्रा, तब इन्हें ये अनलॉफुल एक्टिविटी नहीं नजर आती? तब तो ये कहते हैं और यही अपीजमेंट हुआ करती है ना कि अगर आपने FIR दर्ज किया है किसी को अनलॉफुल एक्टिविटी में, तो उसके बाद आप जब पावर चेंज होती है तो आप कहते हैं कि भाई ये सबको जेल से छुड़वा दीजिए, सबको एक एक हाथ में गन पकड़ा दीजिए या पत्थर पकड़ा दीजिए, क्या ये इस तरह चला करेगा कश्मीर? नाविका जी बिल्कुल गलत बोल रही हैं आप। डॉक्टर पात्रा, इफ्रा बहन अगर शांत हो जाए तो मैं जवाब दे दूं। परेशानी ये है कि अब पूरी पत्थरबाजी होगी तो मैं कैसे बोलूंगा? एडवर्स पुलिस रिपोर्ट होगी, अगर पुलिस को आप पसंद नहीं होंगे तो आपको जॉब में नहीं मिलेगी। सर्कुलर शायद आपने इफ्रा जान जी पढ़ा नहीं, सर्कुलर अगर आपने इफ्रा जान जी पढ़ा नहीं तो सर्कुलर में ये लिखा हुआ है कि डिजिटल CCTV वीडियो हर तरह का एविडेंस चाहिए होगा किसी के खिलाफ एक्शन लेने से पहले। लेकिन डॉक्टर पात्रा ये सर्कुलर को नहीं मानते, ये सर्कुलर को ये नहीं मानते, इन्होंने मन में धारणा बनाई हुई है कि आप जो करें सो गलत, हम जो कहें वो सही, ये कैसे बदलेगा? देखिए नाविका जी, बदलाव तो शुरू हो गया और आज मैं बधाई देता हूं। आज के डिबेट में जब आपने इफ्रा जहां से पूछा कि ये पत्थरबाजी सही है या गलत, तो उनके पास कोई उत्तर नहीं था, उनको मानना पड़ा कि पत्थरबाजी गैर कानूनी है और पत्थरबाजी गलत है और जो लोग पत्थरबाज है उनके खिलाफ FIR होना चाहिए, उनको जेल जाना चाहिए। ये पहली बात, ये आप बीच में क्यों बोलती हैं? आप दूसरों को तो एडवाइस, प्लीज मेरा लिंचिंग मत करिए, प्लीज पत्थरबाजी बंद करिए और मुझे बोलने दीजिए, हाथ जोड़ के निवेदन है। अरे भैया, इनका इनको पासपोर्ट मिला है कि नहीं, जरा नाविका जी पता लगाइए तो क्या। अरे पासपोर्ट होगा भी तो आजकल कहीं जाने की जगह नहीं है, क्योंकि बहुत से बाहर के देशों में कोविड का कहर है। हाँ नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ आसिया आंद्राबी जी से इतना ही कहूंगा कि मेरे बीच में मत चिल्लाए, मेरे बोलने के बाद आंद्राबी जी बोल लें। धन्यवाद। कुलदीप सेंगर जी, तो देखिए मैं इतना ही, कुलदीप सेंगर जी सॉरी 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 मैंने आपको, अरे मैंने आपको आफरा जहां बोल दिया, इफ्रा नाम है, सॉरी सॉरी, मैंने आसिया आंद्राबी, आप तो आसिया आंद्राबी तो आपकी हीरोइन है, आपको इतना गुस्सा हो रही है? नहीं नहीं, आपको, आप तो आसिया आंद्राबी को अपने हीरोइन मानती है, अब आप इतना गुस्सा क्यों हो गई है? आज चलिए बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है, कम से कम ये आसिया आंद्राबी को अब आतंकवादी तो मानने लगी है, ये कम से कम बुरहान वानी को आतंकवादी तो मानने लगी है, ये पत्थरबाजों को आप बुरा तो मानने लगी है। नहीं आप बीच में, ये बीच में क्यों चिल्लाती है इफ्रा जी? समय की कमी है, समय की कमी है, ब्रेक का टाइम है, चिल्लाना शुरू कर दिया ना, ब्रेक का टाइम है, छोटा सा ब्रेक लूंगी क्योंकि सब कुछ बदल रहा है। आपने जैसा कहा, कम से कम टेरर और पत्थरबाजी को लोग गलत तो कहने लगे हैं, गलत है, बहुत गलत है। और कश्मीर दूर नहीं है, कश्मीर दिल्ली के पास है, दिल के भी पास है, लेकिन कानून सबके लिए एक ही है, एक कानून, क्योंकि ये एक देश है और इस कानून को सबको मानना पड़ेगा, यही है इस ऑर्डर का मैसेज। छोटा सा ब्रेक लेती हूं, ब्रेक के बाद वापस सवाल पब्लिक का, जाइएगा मत।
प्रेजेंटेड बाय केंट आरओ, जो देता है सबसे शुद्ध पानी. पावर्ड बाय मेडीबॉडी, अनलिमिटेड डॉक्टर कंसल्टेशंस विद मेडीबॉडी गोल्ड. पत्थरबाजी करना ये तो बिल्कुल इनका जन्मसिद्ध अधिकार था. आज कह रही हैं कि ये घनघोर अपराध है, इसके लिए जेल जाना चाहिए, इसमें कोर्ट में जाना चाहिए. कम से कम इतना तो मान लिया ना. अब इनसे ये भी पूछ लीजिए कि बुरहान वानी आतंकवादी था या नहीं था, इतना भी कम से कम पूछ लीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो बुरहान वानी को शहीद मानते हैं. आज कम से कम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कल पत्थरबाज करना भी बंद करेंगे. जवाब दीजिए इफ्राजान जी. आपको शायद पता नहीं होगा कि बुरहान वानी की डेथ के बाद जो एजिटेशन हुई थी, उसी एजिटेशन की वजह से नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार को गिराया गया था. आप अपने फैक्ट जो है थोड़े से करेक्ट कर लीजिए. गिराया गया था कि गिर गई थी? जी, गिराया गया था कि गिर गई थी. अरे बुरहान वानी के लिए उमर अब्दुल्ला ने क्या ट्वीट किया था वो निकालिए जरा. लोग इतना बुरहान वानी के लिए उमर अब्दुल्ला ने क्या ट्वीट किया था वो निकालिए जरा. आपने फैक्ट ठीक करिए, फिर कटघरे में खड़ी हो जाएगी और लाल बत्ती जलेगा ऊपर. अच्छा, जला दीजिए, आपकी लाल बत्ती से कोई फर्क नहीं पड़ता. तो फिर बात यहाँ तक सवाल आता है कि ऑलरेडी हमारे पास क्या होगा कि अगर आप पे एफआईआर लगी हुई है इतने सालों से चल रहा है और इतने सालों से आप कटघरे में खड़े हैं. सवाल ये है कि अगर एफआईआर आप पे ऑलरेडी लगी है, आपको सरकारी जॉब एनी वे नहीं मिलेगी. अब परेशानी ये है कि आपको अगर पुलिस आपको पसंद नहीं करती होगी, यानी एक एडवर्स रिपोर्ट होगा पुलिस के पास. मैडम, आप बार बार ये कह रही हैं, आप बार बार ये कह रही हैं, क्या हम सर्कुलर स्क्रीन पर ले सकते हैं? और सुशील पंडित जी, सर्कुलर में लिखा है कि एविडेंस की जरूरत होगी, सीसीटीवी फुटेज, वीडियोस, और जब तक ये पुख्ता सबूत नहीं होंगे ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा. तो इफ्राजान जी, सर्कुलर का पहला भाग पढ़ती हैं, दूसरा भाग पढ़ती नहीं है, और ऊपर से कहती हैं कि ये गलत हो रहा है, ये कहां से सीआईडी इस तरह का ड्रेकोनियन सा रूल ले आई है. सुशील पंडित जी, सर्कुलर में तो लिखा हुआ, अगर आपके पास सर्कुलर है तो इनको भेज दीजिए. हमारे पास तो है, मैं तो भेज ही दूंगी. अगर पुलिस जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये मतलब सर्कुलर नहीं करती, ये आपकी बात भी नहीं सुनती है. अब सर्कुलर में एविडेंस है, लेकिन सरकार ने दायर की हुई एफआईआर वापस ले ली है. 10,000 एफआईआर वापस ले ली है. तो फिर पुलिस क्या करे? अगर पुलिस एफआईआर फाइल करती है और सरकार 10,000 एफआईआर वापस ले लेती है, केसेस वापस ले लेती है, तो पुलिस क्या करे? पुलिस रिपोर्ट तो इसलिए पुलिस अपने पास जो एविडेंस रखती है उसके बिना पर शिनाख्त करके बताएगी. दर्शकों, क्या इस बात की कोई दलील हो सकती है कि लोग यहां पत्थर फेंकने वालों के हक की बात कर रहे हैं? क्या ये बुनियादी तौर पर सही है कि पत्थर फेंकने वालों का भी हक होता है? ऑफकोर्स होता है. और सर्कुलर में ऐसा कहा गया है कि जब तक एविडेंस पुख्ता ना हो, सीसीटीवी फुटेज ना हो, वीडियो फुटेज ना हो, तब तक तो ऐसा नहीं किया जाएगा. लेकिन अगर ऐसा उनके पास एविडेंस होगा, सबूत होंगे, तो जिन लोगों ने पत्थरबाजी में हिस्सा लिया है उनको पासपोर्ट या सरकारी नौकरियों से दूर रखा जाएगा. इसमें गलत है कुछ? इस पर भी विरोध होना चाहिए क्या? सवाल हमारा है और पब्लिक सवाल पूछने का हक रखती है, और पब्लिक ने यह सवाल पूछा भी है. आज का शो आपको अगर पसंद आया हो, आपको अगर अपने सवाल भेजने हो तो जरूर भेजिएगा, क्योंकि सवाल पब्लिक का आपका शो है. मैं सारे पैनलिस्ट का शुक्रिया अदा करती हूं और आपका भी, क्योंकि आज टाइम्स नाउ नवभारत पे सवाल पब्लिक का आगाज हुआ. आप सब ने अपने सवाल भेजे और हम यहां आपकी एम्पावरमेंट के लिए, आपके हक के लिए आपके मुद्दे उठाया करेंगे. आपका मुद्दा, आपका सवाल हमारे शो पर, क्योंकि ये है टाइम्स नाउ नवभारत. और अब देखिए सारे दिन की वो बड़ी खबरें जो आज दिन भर आपके लिए कई चीज़ें और कई ऐसे संदेश लेके आई है जिन्हें जानना आपके लिए ज़रूरी है.
प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन ई रूपी को लॉन्च किया, साथ ही पीएम मोदी ने ई रूपी से भ्रष्टाचार कम होगा इसकी बात कही। ई रूपी के लॉन्च पर पीएम ने कहा, इससे गरीबों को मदद मिलेगी, डिजिटल ट्रांजैक्शन करने में आसानी आएगी। पीएम मोदी ने सीमा विवाद को लेकर असम के सांसदों के साथ अहम बैठक की, गृहमंत्री अमित शाह भी बैठक में मौजूद रहे। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने बैठक करने के लिए पीएम का आभार जताया, कहा दूसरी पार्टियां असम की शांति भंग कर रही हैं।